प्यारी लग रही हो। नूर आ गया रूम उमरे का। ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपको नहीं पहचाना। हम लोग जी, ओए मेरे अंदर एनर्जी जरा भी नहीं है भाई। ओए तुम लोग को मेरे मुंह से लग रहा होगा कि जैसे इसको जो है ना खाने को रोटी ही मिली। जिन लोगों को नहीं पता कल हमारा उमरा था, अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हो गया, लेकिन थकावट बहुत ज्यादा है। वापस आने के कुछ घंटे बाद ही हम लोग उठ के बैठ गए। तुम लोग देख सकते हो 8 बजा हुआ है क्योंकि हमारी फ्लाइट है भाई। पता नहीं मैंने मॉर्निंग ही कैसे करा ली यार, लेकिन खैर एनीवेज वेलकम बैक हो गया तुम सब कहना तो व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक तुम लोगों ने डक्की भाई व्लॉग एंजॉय नहीं किया हुआ तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। तुम लोग देख सकते हो रूबी रेडी हो गई है वापस जाने के लिए। अरे मेरी टांगे, बाकी सामान सामून भी जो है ना पैक हो गया। लैपटॉप वगैरह तो पैक हो गए, टची केस भी पैक हो गए, जूते छूते रहते हैं। और आए तुम कहां चुपके बैठे हो, तुम्हें लेके जा रहे हैं भैया मैं। ओए होए 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 होए, इसका इसके इसके लिए लगा बिजनेस क्लास सीट ना करवा लें। भैया हमारा जो है ना ये शहजादा रहता है, इसको हमने दुबई से जीता था कोई 400 दिरहम का। ₹250 सही पैसे लूट रहे हैं यार। महंगा भरा यार, असल मैंने इसको छोड़ नहीं सकती, इसके लिए जगह बनाते हैं यार। ओए तुमने जानमाज भी मेरे सामने उसमें रख दिया। आओ जी। ओ नहीं, ये आएगा, ये इस तरह ज्यादा ठीक आएगा। यहाँ से बंद करना है, स्टार्ट करना, स्टार्ट करो बंद। बाकी मैं देखता हूँ। आए भाई तुम्हें तो लेके जाना है भाई। तो यार पैकिंग शैकिंग हो गई है, भालू भी हम लोगों ने जो है ना शुक्र है रख लिया है, कंगी शंगी करते हैं फिर निकलते हैं भाई। तो मेरा टच केस भी पैक हो गया, लैपटॉप का बैग भी पैक हो गया, ठीक है बस ये जूते रहते हैं, इसको देखते हैं हम लोग कहाँ पे रखे, महंगे जूते हैं भाई। तुम्हारा बैग हो गया ठीक, फुली पैक्ड है, कुछ रह तो नहीं रहा ना? तो यार बस सामान सामून रखते हैं नीचे, कुछ ऐसा दो नींद उड़ जाए, बस आंखें खुल जाए, उड़ना शुरू कर दूं मैं। Give me something black and strong. समझ रहे हो? अमेरिकन? या या। तो ये सिर्फ इसकी ज़रूरत थी भाई, ये शॉर्ट है ना। ओए होए 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 होए। ये क्रीम आ गई हमारी, ठीक है अभी चलते हैं हम सीधा एयरपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। How long it will take for the airport? Airport, how long? 21 minutes, okay. In Saudi Arabia, nobody knows English. Little bit, yeah, nice. It's a good thing, you know, people should prefer the language. Pucha maine kuch! Okay, brother, thank you so much, Habibi. हाय, तो अल्लाह का शुक्र है टाइम से एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, ठीक है। अरे अल्लाह, ओए होए होए होए, क्लास का एयरपोर्ट भाई, मतलब मैं तो कहता हूँ मजा ही आ गया भाई। एयरपोर्ट देखो कितना लेवल का है। अच्छा जी, अब हम लोग जो है ना यहाँ से पकड़ते हैं अपना बोर्डिंग पास भाई। माशाल्लाह से बड़ा क्लास का एयरपोर्ट है भाई जद्दा का। मैंने सुना रियाद का इससे भी अच्छा है, जो है ना हमें जमजम वाटर की बॉटल मिलेंगी। तो उन्होंने जो है ना एयरपोर्ट पे सिस्टम रखा हुआ है कि आप जो है ना यहाँ से जमजम का पानी उठा के लेके जा सकते हो अपने घर वालों के लिए। यहाँ पे जो है ना हमने पेमेंट शेमेंट कर लिए, दो बॉटलें जो है ना हमारे पास आई है, एक मेरे और एक अरूप के नाम की, तो इसको लेके चलते हैं भाई। थैंक यू। दिस वन, दिस वन यू गेट, ओके, एंड दिस वन, ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर। तो ये है सऊदी एयरपोर्ट किंग अब्दुल अजीज जद्दा। ये तुम लोग देख सकते हो, ये हमारा प्लेन है A380। ओए होए होए जन्न भाई, A380 का अपना मजा है भाई। चलते हैं भाई सीधा फ्लाइट पे। मैं वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं बाइनेंस के बारे में, जिसको मैं काफी टाइम से यूज करता आ रहा हूं, क्योंकि इसमें फीचर्स ही ऐसे हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने तुम लोगों को बताया कि किस तरह आप P2P से बाइनेंस के अंदर पैसे डलवा के ट्रेडिंग या क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो। तुम लोगों को मैं लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग से सिखाता हूं कि मेरे कितने ट्रेड चल रहे हैं बाइनेंस पे। पिछले महीने मैंने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाया है, इस महीने जो है थोड़ा क्रिप्टो
डाउन है, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आपने क्रिप्टो बाइनेंस एकेडमी से सीखी हुई है तो जाके आपका अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। उससे पहले तो मैंने खुद बड़ा लॉस किया हुआ है, तो इसलिए पहले सीखो, कम पैसे डाल के $50 डाल लो, $100 डाल लो, या सिर्फ इतने डालो कि अगर उसका लॉस भी हो जाए तो तुम लोगों को फर्क ना पड़े। क्रिप्टो का बहुत फ्यूचर है, अगर आता है, अगर एक्सपीरियंस है तो फिर अच्छे पैसे बनते हैं। ऊपर से डॉलर का रेट भी इतना ऊपर गया हुआ है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, तो ये बड़ा अच्छा टाइम है बाइनेंस ऐप के अंदर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का। अभी तुम लोग देख सकते हो मैंने बाय ऑर्डर लगाया हुआ है मैटिक का, इस वक्त 1.0030 है इसका, मैं बस 0.93 का वेट कर रहा हूँ, ये मैंने खरीद लेना है और तकरीबन कोई 1.1 का बेच देना। मैंने $5,000 का बाय रेट लगाया है और मैंने 15% प्रॉफिट पे निकाल देना, यानी ये कोई $1,000 तक का प्रॉफिट, तकरीबन 3 लाख रुपए। मैंने लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर डाउनलोड लिंक दी होगी बाइनेंस की, और मेरा रेफरल कोड भी होगा। अगर आप उससे अकाउंट बनाते हो, मेरे लिंक से अकाउंट बनाते हो, तो PS5 और iPhone का गिव अवे जो है उसके अंदर एंटर हो सकते हो। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज और बोनसेस है जो मैंने आगे लेके आने हैं अपने रेफरल कोड पे। अकाउंट बनाओ बाइनेंस के अंदर मेरे लिंक से ताकि गिव अवे के अंदर एंट्री मार सको, वरना ना आईफोन मिलेगा ना कोई बोनसेस मिलेंगे भाई। एक और चीज, जो मेरी पिछली बाइनेंस की वीडियो थी उसके अंदर से ना काफी लोगों ने क्लिप्स काट काट के अपने फेक क्रिप्टो पेजेस जो है ना वो चलाने शुरू कर दिए है, जो कि मेरे नहीं है, लेकिन क्लिप वो मेरी इस्तेमाल कर लेते, तो काफी लोग जो है ना उसमें फूल हो रहे हैं। मैं तुम लोगों को बता दूं कि जब तक मेरे चैनल पे मैं ना अनाउंस करूं कि भाई कोई फलाना क्रिप्टो ग्रुप है तो ये है वो है, तब तक तुम लोगों ने कुछ भी ज्वाइन नहीं करना भाई। ये टिकटॉक शिकटॉक पे वीडियोस आती रहती हैं, उन चक्करों में ना पड़ जाना यार। तो नीचे दिए गए मेरे रेफरल कोड से बाइनेंस को डाउनलोड करो, P2P से पैसे डलवाओ और ट्रेडिंग स्टार्ट करो। बेशक थोड़े पैसे डलवाओ, मैं तो कहता हूं सिर्फ $20 ही डलवा लो, लेकिन एक बार स्टार्ट करो। और क्रिप्टो का ही फ्यूचर है ये, आगे आने वाले वक्त में 2-3 साल के बाद तुम लोग याद करोगे कि टक्की भाई ने कहा था। सो डाउनलोड बाइनेंस फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड माय रेफरल कोड राइट नाउ। अच्छा, मैंने अभी तुम लोग से बताया नहीं है, हम लोग पाकिस्तान वापस इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे थाईलैंड के वीजे का ना एक इशू है, वो थाईलैंड का वीजा फिक्स करवाना है, उसके लिए हमें पाकिस्तान वापस जाना पड़ा है, तो मैंने डायरेक्ट पाकिस्तान की करवा ली। तो वहाँ पे हम लोग रहेंगे कोई 7-8 दिन रहेंगे, फिर हम निकलेंगे बाकी साउथ ईस्ट एशिया। रोटी छोटी खुल गई है, ये जो है ना हमारा नाश्ता होने लग गया है यार। काफी ज्यादा लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या हुआ है यहाँ पे रेड रेड, तो यार ये ना सोदिया मिल की थी ना नाखून मार दिया हमने बड़ी जोर का, ऐसी एक्सीडेंटली उसका नाखून लगा, फिर वो ब्लीडिंग वगैरह हो रही, मैंने उसको देखा नहीं, सो गया ऐसे ही, सुबह उठा हल्की सी वो इन्फेक्ट हुआ हुआ था, मैंने उसको छील दिया और अब वो ना वो थोड़ा मजीद डार्क हो गया, 3-4 दिन लगेगा इसको आहिस्ता आहिस्ता फेड होने में, ये इससे गुजारा करना पड़ेगा भाई। खैर एनीवेज, रोटी छोटी के अंदर जो है ना हमारे पास है क्या, चावल है, कैसे है, चिकन राइस भाई। फाइनली हम लोग जो है दुबई ये हो गए हैं लैंड, 4 घंटे का हमारा स्टे है, 4 घंटे हम यहाँ पे क्या करें आ रहे हैं, उनसे कहो हमें नौकरी भी रख लें इधर एयरपोर्ट पे, 4 घंटे हैं भैया हमारे पास, कनेक्शन वाली लाइन में आना है क्योंकि हमारी यहाँ से कराची की फ्लाइट है सीधी। मैं तो कहता हूँ दुबई का वीजा करवा के दुबई एंटर ही ना हो जाए एक बार। अभी जो है ना हम लोग आए हैं यहाँ पे दुबई ड्यूटी फ्री पे, चॉकलेट वॉकलेट वगैरह ये भी डाल लेते हैं, बल्कि ये 2 और डाल लेते हैं भाई, बाय 2 गेट 1 फ्री है भाई, ये लेते हैं ना, ये देखो सफेद है मेरे, पाकिस्तान में नहीं मिलते ऐसा, लो जो पाकिस्तान में ना मिलता हो, ये भी बाय 2 गेट 1 फ्री है, ये भी डाल लो, ये मैं बाद में फिर लंच बॉक्स के तौर पर इस्तेमाल किया करूंगा। ये मुनीब कर लेगा, ये भी लेते हैं ना, ये बड़े लेवल के होते हैं, डालो इसको, अब 2 ले लिए तो लोग बाय वन, ओए ये लेते हैं चुपा चुपस, चुपा चुप्स लेते हैं भाई, ये चुपा चुप्स है क्या वैसे, ये भी डालो, ये भी डालो भाई, ये देखो ये है ना जो पाकिस्तान में नहीं मिलता, किट कैट पॉप्स गोल मटोल, ये डालो ना, ये डालो, ये एक और भी डाल दो बल्कि, अरे चॉकलेट शॉकलेट जो है ना हमने सारी पकड़ ली थी, ठीक है अब जो है ना हम लोग जा रहे अपने प्लेन की तरफ, वहाँ से जाएंगे सीधा पाकिस्तान। ऑन टुडेज फ्लाइट यू कैन एंजॉय अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ $15 व्हेन परचेजिंग 2 फ्रेग्रेंसेस। निकल लो, approximately 10 hours later तो पाकिस्तान हम लोग लैंड हो गए हैं, अगला दिन हमारा स्टार्ट हो गया और अभी जो है हम लोग कामरान तसोरी सर के साथ हम लोग बैठे हैं, नाश्ता कर रहे हैं गवर्नर हाउस के अंदर और तुम लोग देख सकते हो नाश्ता वगैरह हमारे सामने है। और कैसे हैं आप, तबीयत वगैरह ठीक ठाक है आपकी? जी बिल्कुल, आप बताइए, आपको पहले तो उम्रा बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया, और जाहिर है आपने पाकिस्तान के लिए दुआ की, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, आप बताओ कैसे हो? ठीक हो, ठीक हो,
स्कूल नहीं गए आज? चलो हम लोग जो है ना अभी नाश्ता वगैरह करते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं। One hour later. अभी हम लोग कराची उतरे हैं, ठीक है, गवर्नर हाउस से हम लोगों ने चाय वगैरह पी है, नाश्ता वगैरह किया है। अब जो है ना हम लोग जा रहे हैं सीधा लाहौर, हम लोग लाहौर में मिलते हैं भाई। नूर आ गया रूम उम्रे का। ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो पाकिस्तान हम लोग पहुंच गए थे, अभी हम लोग रूप के घर हैं, ठीक है, घर आ गए हम। उसके घर में बेबी सी रोई जा रही है, उसको जो है ना हम लोग बालू देते हैं, जो हमने बड़ा मुश्किल से जो है ना पानी देके हम लोगों ने। मुझे रियलाइज हो रहा है कि जो साथ में टॉय रखा था उसका हमें फायदा होने वाला है ना। अब मानती हो ना कि वो उसको बैग में रखना जरूरी था। अच्छा, जमजम भी है साथ, जमजम भी देना है साथ में, क्यों रखा उसको? फ्लाइट की टिकट खरीदे बगैर इसने पूरी दुनिया घूमी है, बल्कि वो अफसोस कर रहा है वो दुबई से पाकिस्तान आ गए। जमजम खजूरे और ये जानेमाज लाए हम अपनी मर्जी का, देखें कैसे मक्का से। बेबी रो रही है, अब उसके लिए हम टेडी लेके आएंगे, उसको देते हैं। रो ही जा रही है, इधर है साधो, सर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। विद्दू ये देखो, ओ खालू क्या हाल है, बहुत कुर्बानी दी है इसके लिए हमने। डॉगी है ये, डॉगी है, ऐसे लेके आई जगह थी नहीं से। आंटी मैं अपने कपड़े छुड़ाया हल्के से मजाक के अलावा। फिर दूस क्यूट है, इधर क्या आती है इतनी प्यारी, इतनी बड़ी चीज है। विद्दू चल हम आनू किशी करते हैं। आनू किशी भाई देख रही है उसको, ये भी दे दो चॉकलेट्स इसको। हां ये चॉकलेट्स भी है, ये लो चॉकलेट। तो सबसे फेवरेट ये है निविया क्रीम। वन आवर लेटर क्योंकि जिस तरह की आपकी मसरूफियत ना, मुझे लग रहा था पता नहीं आपसे मैनेज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बड़ी फिक्र थी। क्या इसको कुछ नहीं ये नहीं नहीं लेकिन इतना आपको हिम्मत दी और मैंने ऐसे मिसालें भी साथ साथ सुनी है कि जो जिन्हें अल्लाह ताला पसंद ही ना कर रहे होते उनको उनको वहाँ पे वहाँ पहुंचा के भी नहीं। हाँ ये वहाँ वो कितनी भी कोशिश कर रहे वहाँ जा ही नहीं पाते, कोई ना कोई इशू आता है। हाँ कोई ना कोई इशू हो जाए, ये ऐसी कई मैंने मसाले सुनी है। तो नहीं वाकई है, ये खास ब्लेसिंग होती है अल्लाह ताला को वो दाता है, लेकिन उन कितने कर लेंगे है। तो यार घर वापस आ गए हैं हम लोग फाइनली। अभी जो है हमारा बस पाकिस्तान के अंदर शायद हो सकता है बस 6-7 दिन हो, फिर हम चले जाएंगे साउथ ईस्ट एशिया शुगर मेला लगाने। भाई रूम में वापस आ गए हैं भाई, बड़ा मिस किया भाई रूम को। एनीवेज यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। ये जो आगे बाकी का जो हमारा हनीमून वगैरह रह गया है उसके मैं तुम लोग को अपडेट देता रहूंगा कि हमने कहाँ पे जाना है, क्या शुगर मेला है, वो सारा मैं तुम लोग को बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डक्की भाई ब्लॉग गैंग को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं कल। ओ I'm gonna go